तो हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित यादव। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डीप ओशियन फैक्ट्स, ओशियन में कैसे एनिमल्स रहते हैं, वो भी डीप में, जिसको बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और साथ ही साथ ये एनिमल्स और बाकी एनिमल्स से बहुत ही अलग दिखते हैं। आज देखना, मैंने उसके बारे में डिटेल्स भी डाली है और साथ ही साथ इमेजेस भी डाली है, देखिए। और आपको पता है, आपको ये डीप ओशन फैक्ट जानने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब आप कमेंट करेंगे क्यों, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ओशन फैक्ट्स के बारे में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती तो आप ये वीडियो नहीं देखते। ये सही है गलत, मुझे कमेंट में बताएं। तो देखिए, ये है हमारी पहला, आफ्टर अ जर्नी ऑफ सेवरल आवर्स योर रोबोट सुपरमेर हैज अ रिएक्टेड द डीप ओशियन वेयर लाइट कैन नो लॉन्गर पेनिट्रेट, इट इज पिच ब्लैक आउटसाइड एंड द टेम्परेचर इज नियर फ्रीजिंग, द प्रेशर आउट साइड द सब इज इंटेंस एंड इट सीम्स एज इफ नथिंग कुड सर्वाइव हेयर, बट एज यू पीर आउट द विंडो ऑफ योर सब यू नोटिस दैट द डार्कनेस इन पेंट्रेटेड ओशियन ओशियनली बाय ब्रीफ फ्लैशेस ऑफ लाइट, दिस इज बायोल्यूमिनस प्रोड्यूस्ड बाय द क्रिएचर दैट इन हैबिटेट द शेडो रियन ऑफ द डीप सी। जैसा कि आप इसमें जान रहे, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि पानी के नीचे, सी वाटर के नीचे, डीप में कोई भी एनिमल या लिविंग चीज लिव नहीं कर सकती है, लेकिन ये गलत है। बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद, बहुत ही ज्यादा डीप जाने के बाद, कुछ रोबोट्स, कुछ सबमरीन्स की मदद से हमने ये जान लिया है कि डीप में भी लाइफ सरवाइव किया जा सकता है, पर एनिमल्स करते भी हैं। कुछ ऐसे ही अजब गजब एनिमल्स हैं इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है वीडियो नंबर 1, और अगर आपको वीडियो नंबर 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको जल्द से जल्द उसको अपलोड करूंगा। आप देख सकते हैं, योर सबमरीन लाइट्स हैव रिलीव्ड द क्रिएचर बिलो, क्लिक ऑन द ईच ऑफ द इमेज ऑफ ब्रिंग अप एन इंफॉर्मेशन स्क्रीन फ्रॉम द कंप्यूटर डाटाबेस, यू मे रिटर्न टू दिस स्क्रीन एट एनी टाइम एंड कंटिन्यू सर्चिंग, यू मे ऑल्सो एक्सेस ईच ऑफ द क्रिएचर्स डायरेक्टली बाय क्लिकिंग देयर नेम्स बिलो। आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि क्रिएचर्स जो होते हैं ना, बहुत ही अलग तरीके से दिखते हैं। कंप्यूटर में देखते होंगे कितनी एडिटिंग की हुई होती है, तो ऐसे बहुत अजब गजब से ना क्रिएचर्स होते हैं जो हम देखते हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको दिखेंगे। ऐसे ही मैंने कुछ इस वीडियो में भी क्रिएचर्स डाले हैं, देखते हैं आगे। क्रिएचर नंबर 1 देखिए, एटलांटिक हैगफिश, अदर नेम स्लाइम ईल, साइंटिफिक नेम मैक्सिन ग्लूटिनोस, साइज रेंज 16 to 32 inches, हैबिटेट वर्ल्ड वाइड, डेप्थ रेंज डाउन टू 400 feet। ऐसी दिखती है जैसी इमेज आई है, देख सकते हैं आप। ऐसी है ना, ये अजब गजब सी, बहुत ही। इस क्रिएचर के बारे में आप जानते थे पहले से या नहीं, मुझे कमेंट में बताइए। देखिए, ऐसे ही इमेज है, ऐसे ही पाए जाते हैं क्रिएचर्स डीप ओशियंस में। क्या आपको पता था ये? The
atlantic hagfish scientifically known as Mushroom glutinous is an unusual sea creature. It is body is covered with special glands. इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स की ग्लैंड भी होती हैं. That can emit a sticky slime. In fact, a single hagfish can produce enough slime at one time to fill a milk jug. This has earned it the name slime eel. Although it is the really not the eel at all, the hagfish is actually sneeze when its own nostril fill with slime. अगर इसकी जो nostrils होती है वो अगर slime में fill हो जाती है, slime एक तरीके का saliva type में होता है, अगर वो फिल हो जाती है इसके नोस्ट्रिल्स में तो वो स्नीज करती है, यानी कि छींकती है. ये देखिए क्रिएचर कोयला कैंट, कितना अजीब सा लगता है. हमने सोचा भी नहीं होगा कुछ ऐसा होगा. अदर नेम इसका कोई नाम नहीं रखा गया साइंटिफिकली, तो साइंटिफिक नेम ही है सिर्फ इसका. जो साइंटिफिक नेम है लैटिन मेरिया चोरलेन मेनिया. साइज रेंज अबाउट 5 feet. और हैबिटेट ये कहाँ पे रहती है, इंडियन ओशियन नियर साउथ अफ्रीका पे रहती है ये. डेप्थ रेंज 600 टू 1000 फीट. ऐसे दिखती है कुछ ये, जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे, देख सकते हैं ना, कितनी अजीब सी लग रही है. लेकिन हाँ ये फिश है, लेकिन आपने नॉर्मल फिश को देखा होगा तो जो उसके फिन्स होते हैं वो दो ही फिन्स दिखते होंगे आपको ज्यादा. और देखिए इसमें 4-5 तो हमें फिन्स ही दिख रहे हैं इस पिक्चर में, तो आप सोच सकते हैं कितनी अमेजिंग होगी. और ये डीप पे रहती है, जैसे कि आपको डेप्थ रेंज दिखा 600 टू 1000 फीट नीचे रहती है ये. देखिए इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं. द स्ट्रेंज लुकिंग कोयलांकी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीशीज ऑफ फिश इन द वर्ल्ड. इट इज कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी एक्चुअल लिविंग फॉसिल्स नो साइंटिफिकली एज लेटमेनियन चोलिमेनियन. दिस फिश वॉज थ्रू to have a exciting sign since the end of the Cretaceous period of over 65 million years ago. Fossils at the Coleman have been found that data back over 350 million years. But against all odds, in 1938, a fisherman actually caught a live coelacanth off the coast of the South Africa. A second specimen was captured in 1952 off coast in Cumbria, Iceland of the north eastern coast of Africa near Madagascar. Needless to say, this caused a sensation throughout the scientific community. Since then, live coelacanths have been signed and photographed many times in the wild. आप देख रहे होंगे ये, मैंने ये डिटेल इस वजह से दी है ताकि आप को याद रहे. आप डिटेल थोड़ी लिख भी सकते हैं कि अगर आपको जैसे प्रोजेक्ट में मिलता है तो आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर अपनी नॉलेज के लिए रहते हैं तो अपनी एक पर्सनल नोटबुक बनाइए. हम इसमें रिसर्च वाली चीजें लिखेंगे तो आप रिसर्च वाली चीजें इसमें लिख सकते हैं ऐसे कर. तो इसमें ये बताया गया, जैसे कि आपको पता होगा 65 मिलियंस ईयर्स अगो इसका पता चला था, 315 मिलियंस ईयर्स पहले. बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स 1938 में इसकी पहली यानी कि पहली फिश देखी गई थी, और 1952 में सेकेंड. ऐसे ही अब तो ये होता है फिर भी, पर ये बहुत ही डीप में पाई जाती है, आपको भी ये पता ही है. ये आपको फैक्ट कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट कर, ये फैक्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट कर जरूर बताएं. और सम रिलेटेड क्रिएचर्स डीप सी क्रिएचर डाटाबेस, अगर आपको ऐसे ही कुछ क्रिएचर चाहिए जैसे एथलेटिंग हैगफिश कोस्टर, इन दोनों के बारे में तो मैंने डिस्कस ही किया है, और बाकी बहुत सी 10 और 12 और हैं. अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा और कुछ नई स्पीशीज के बारे में भी बताऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और फर्स्टली अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल अमित यादव को सब्सक्राइब करें. अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लग रही है, ऐसी ही कुछ वीडियोस आपको चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके. और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे साथ ही साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.